हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। द एवरेज एज ऑफ सिक्स सन्स ऑफ ए फैमिली इज 8 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ सन्स टुगेदर विद देयर पेरेंट्स इज 22 ईयर्स। इज द फादर्स ओल्डर देन द मदर बाय 8 ईयर्स। द एज ऑफ मदर ऑप्शन ए 44, बी 52, सी 60 एंड डी 68। किसी फैमिली में सिक्स सन्स का एवरेज एज है 8 ईयर्स। अगर उस सिक्स सन में पेरेंट्स को इंक्लूड करते हैं तो उनका एवरेज एज हो जाता है 22 ईयर्स, जिनमें से जो है फादर जो है मदर से 8 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, 8 ईयर्स बड़ा है। तो उस केस में हमें मदर का एज निकालना है। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी 2011 में पूछा गया था, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसे कैलकुलेट करते हैं। लेट एज द मदर ऑफ लेट द एज ऑफ मदर बी एक्स। हमने मदर का जो है एज माना है एक्स, इसलिए हमारा जो फादर एज हो जाएगा एक्स प्लस 8, क्योंकि फादर जो है मदर से 8 ईयर्स बड़ा है, ठीक है। इसलिए फादर एज इक्वल्स टू एक्स प्लस 8 ईयर्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है गिवन द एवरेज एज ऑफ सिक्स सन्स। सिक्स सन्स का एवरेज एज दिया हुआ है, ठीक है। सिक्स सन्स मीन्स, इसे थोड़ा डिटेल्स देख लीजिए। सिक्स सन्स यानी कि सिक्स नंबर्स आप मान सकते हैं जिसका एवरेज एज दिया हुआ है। 1s, 2s, plus 3s, plus 4s, plus 5s, इस तरह से बाय 6 इक्वल्स टू 8 ईयर्स, ये हमारा दिया हुआ है। ये हमने समझने के लिए लिख दिया है, तो इसे हम लोग लिखते हैं कि सिक्स सन्स बाय 6 इक्वल्स टू 8 ईयर्स, ये दिया हुआ है। इसलिए टोटल एज ऑफ सिक्स सन्स हो जाएगा 8 इंटू 6 ईयर्स। इसलिए टोटल एज ऑफ सिक्स सन्स इक्वल्स टू 6 इंटू 8 ईयर्स। अब देखिए, अब हमारा क्या दिया हुआ है, पेरेंट जो सन्स का एज है सिक्स सन्स का, उसमें हम पेरेंट्स को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। पेरेंट्स एज भी इंक्लूड किया जा रहा है, तो उस स्थिति में हमारा केस हो जा रहा है 22 ईयर्स। सिक्स सन्स प्लस मदर प्लस फादर बाय 8, क्योंकि हमारा मेंबर जो दो मेंबर बढ़ रहा है तो इसमें बाय 8 हो जाएगा। तो ये दिया हुआ है 22 ईयर्स। तो सिक्स सन्स प्लस मदर प्लस फादर इक्वल्स टू हो जाएगा 8 इंटू 22 ईयर्स, ठीक है। टोटल एज ऑफ सिक्स सन्स प्लस मदर्स प्लस फादर्स इक्वल्स टू 22 इंटू 8 ईयर्स, ठीक है। अब देखिए, सिक्स सन्स का टोटल एज हमने निकाला है, कितना निकाला है, 6 इंटू 8 प्लस मदर का एज हमने माना x एंड फादर का एज माना है x प्लस 8 इक्वल्स टू हो जाएगा 22 इंटू 8। यह हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 6 इंटू 8 48 प्लस x प्लस x 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 8 इंटू 22। तो 8 इंटू 22 हमारा हो जाएगा 176, और 48 प्लस 8 56 प्लस 2x इक्वल्स टू 176। इसलिए 2x इक्वल्स टू 176 माइनस 56, इसलिए x इक्वल्स टू 176 माइनस 56 इक्वल टू 120 बाय 2। तो x का जो वैल्यू हमारा आएगा 120 बाय 2, x इक्वल्स टू 60। ये जो हमारा x इक्वल्स टू 60 है, ये हो गया हमारा मदर एज, माँ का एज जो मदर एज वह हो गया 60 ईयर्स। x इक्वल्स टू 60, मदर एज जो है आपका ऑप्शन सी 60, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ सिक्स सन्स ऑफ ए फैमिली इज 8 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ सन्स टुगेदर विद देयर पेरेंट्स इज 22 ईयर्स। फादर जो है मदर से 8 ईयर्स बड़ा है, इसलिए मदर का एज निकालना है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 60 ईयर्स, जो हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।